हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे। किस्टा ट्रेडिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बियरिश मारुबोजू के बारे में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बियरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक। बियरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक ट्रेंड को कंटिन्यू रखने का सिग्नल देता है, यानी कि यह बियरिश मारुबोजू जिस भी स्टॉक में बना है वह उसी ट्रेंड में अभी रहेगा। किसी स्टॉक में लंबी गिरावट चल रहा है और यह बियरिश मारुबोजू बन जाए तो समझ लीजिए अभी स्टॉक उसी ट्रेंड में चलेगा। अगर गिरावट में भी चल रहा है, अगर बियरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न बना है तो समझ लीजिए कि अभी भी वो उसी ट्रेंड में नीचे जाएगा। यह कैंडल स्टिक आपकी पोजीशन को होल्ड करने का संकेत देती है, यानी कि या कहें कि अगर आप किसी भी स्टॉक ट्रेड लिए हैं, किसी भी ट्रेड लिए हैं, तो आप उसमें अभी बने रहें। अगर मार्केट में तेज़ी का ट्रेंड चल रहा है और यह टॉप पर आपका बियरिश मारुबोजू बनता है तो समझ लीजिए वहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है, यानी कि इसके भी दो पहलू हैं। अगर यह डाउन ट्रेंड में बियरिश मारुबोजू बनता है तो समझ लीजिए कि अभी भी और नीचे जाने की संभावना है। ट्रेंड को कंटिन्यू रखने का संकेत बियरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक बताता है। और यह लंबी तेज़ी के बाद अगर आपको, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, अगर ये आपको टॉप पे बन जाता है, ये बन जाता है अगर टॉप पे, तो आपको यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है। बियरिश मारुबोजू चार्ट में तीन प्रकार से दिखाई देता है। आप इसे वीडियो में देख सकते हैं। यह तीनों एक ही कार्य करते हैं। अब आपको पहली मारुबोजू के बारे में बताते हैं। बियरिश मारुबोजू, इसमें ओपन प्राइस बराबर हाई प्राइस, क्लोज प्राइस बराबर लो प्राइस, या कहें कि दोनों ओपन प्राइस बराबर हाई प्राइस समान होते हैं और क्लोज प्राइस बाय लो प्राइस समान होते हैं। जिस दिन यह कैंडल बनती है, सेलर बायर को पूरी तरह से दबा देते हैं, या कहें कि सेलर की पकड़ मजबूत रहती है, उस दिन ट्रेंड कंटिन्यू ही रहता है। अब दूसरी कैंडल ओपनिंग बियरिश मारुबोजू, इस कैंडल में ओपन प्राइस हाई प्राइस एक समान होते हैं और क्लोज प्राइस और लो प्राइस एक समान नहीं होते हैं। इसमें छोटी सी लोअर शैडो होती है। इसमें बॉडी 95%, शैडो 5% होनी चाहिए। शैडो 5% से कम होगी तो चलेगा, 5% से ज़्यादा की शैडो नहीं होना चाहिए। कि जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें अगर इसमें आपकी अगर अपर शैडो भी हो गई तो समझ लीजिए कि यह मारुबोजू नहीं है। मारुबोजू में आपकी ओपनिंग बियरिश मारुबोजू में केवल नीचे आपकी शैडो होगी जो कि आप देख रहे हैं। अगर अपर शैडो है तो मारुबोजू नहीं होगी, इस बात को आप ध्यान रखें। ओपनिंग बियरिश जिस दिन बनती है, सेलर की पकड़ मजबूत रहती है, लेकिन जब मार्केट क्लोज होता है थोड़ी सी तेज़ी आती है जिससे एक छोटी सी शैडो बन जाती है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्लोजिंग बियरिश मारुबोजू। इसमें हाई प्राइस एवं ओपन प्राइस एक समान नहीं होता। इसमें छोटी सी अपर शैडो होती है। इसमें बॉडी 95% एवं शैडो 5% होनी चाहिए। 5% से कम शैडो हो तो भी चलेगा, 5% से ज़्यादा लंबी शैडो नहीं होनी चाहिए। इसमें क्लोज प्राइस लो प्राइस एक समान होते हैं। जैसा कि
इसमें भी सेम वही, अगर आपकी ये लोअर शेडो भी इसमें है तो यह आपकी क्लोजिंग बियरिस मारुबोजू नहीं कह सकते आप इसे, केवल इसका ऊपर छोटी सी जो शेडो है वही होना चाहिए, ये शेडो बस ओनली। अगर नीचे आपकी शेडो है तो फिर मारुबोजू नहीं कहलाएगा। अब यह चार्ट में देखिए जो हरे रंग में है वह आपको बुलिस मारुबोजू एवं रेड कलर में जो दर्शाया गया है रोसेओ बियरिस मारुबोजू दिख रहा है, आप उसको देख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि अगर यह टॉप पे बियरिस मारुबोजू बन जाए तो वहाँ पे ट्रेन रिवर्सल का सिग्नल है, जैसा कि ये देखिए बना हुआ है यहाँ पे बियरिस मारुबोजू, तो यहाँ से आपका मार्केट नीचे आया हुआ है। और जैसा कि आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, जैसे में कि एक आपका बना हुआ है यहाँ पे ये मारुबोजू, तो यहाँ से मार्केट आपका ऊपर गया हुआ है। दोस्तों अगर चार्ट के बीच में कोई छोटी बॉडी की कैंडल मारुबोजू की तरह दिखने वाली बने तो वह मारुबोजू पैटर्न नहीं होगा। मैं आपको बता दूं इसमें मारुबोजू के दो पहलू हैं, अगर रेड कलर की मारुबोजू, अगर रेड कलर की मारुबोजू डाउन ट्रेंड में बने, डाउन ट्रेंड में बने तो वहाँ समझ लीजिए स्टॉक अभी और नीचे जाएगा, यानी कि कंटिन्यू डाउन ट्रेंड चलने के संकेत हैं। अगर यही रेड कैंडल मारुबोजू टॉप पर बन जाए तो समझ लीजिए ट्रेंड वहाँ से चेंज होने वाला है, डाउन यहाँ से डाउनफॉल हो सकता है। इसके बाद आप यहाँ से सेल की पोजीशन ले सकते हैं। दोस्तों आपने समझ लिया, या नीचे की तरफ बनता हुआ रेड मारुबोजू बने तो कंटिन्यू ट्रेंड डाउन ट्रेंड में रहेगा, और टॉप पे बने तो वहाँ से ट्रेंड चेंज होने की संभावना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।